हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए आज हम क्लॉक का पार्ट टू, फॉल्टी क्लॉक जो कि दोषपूर्ण घड़ी क्या होता है, झटके से चलना, घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना, कभी घड़ी तेज हो जाती है कभी मंद हो जाती है, इस पे फॉल्टी क्लॉक में दो तरीके से सवाल बनते हैं। कौन कौन से है देखिए, टाइप फर्स्ट और एक बनता है टाइप सेकेंड। देखिए टाइप फर्स्ट में क्या होता है, भाषा और संरचना के आधार पर। टाइप टू में क्या होता है, भाषा और संरचना के आधार पर। इसमें भी भाषा और संरचना के आधार पर। इसमें क्या होता है, देखिए भाषा में क्या होता है, देखिए इसमें संरचना में क्या होता है, भाषा में क्या होता है। इसमें देखिए प्रारंभिक समय दिया होगा, प्रारंभिक समय, केवल प्रारंभिक समय होगा, इस टाइप में केवल प्रारंभिक समय होगा। और इसमें क्या है, समान समय या वही समय। और इसमें संरचना भाषा में क्या होता है, इसमें देखिए वास्तविक समय और इसमें देखिए समान समय या वही समय, और इसमें वास्तविक समय या सही समय, और इसमें संरचना में क्या होता है, प्रारंभिक समय दिया होगा, प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिए होंगे। देखिए इसमें क्या है, टाइप फर्स्ट में है भाषा और संरचना के आधार पर सवाल, इसमें भी टाइप सेकंड में भी भाषा और संरचना के आधार पर सवाल है। देखिए टाइप फर्स्ट में भाषा कैसा है, समान समय या वही समय। और इसमें संरचना में क्या होगा, प्रारंभिक, केवल प्रारंभिक समय, एक समय दिया गया होगा। और टाइप टू में क्या है, भाषा वास्तविक समय या सही समय, इसकी पहचान कैसे करोगे, देखिए इसमें अंतिम समय भी दिया गया होगा, प्रारंभिक समय भी दिया गया होगा। इसमें टाइप फर्स्ट में क्या होगा, सिर्फ प्रारंभिक समय दिया गया होगा। इसमें देखिए सवाल बनते कैसे हैं, देखिए ज़्यादा अब देखिए समझिए, इसके बाद AM PM और जान लीजिए, AM और PM किसे कहते हैं। देखिए एक तो होता है AM, एक होता है PM, घड़ी में होता है AM और PM। देखिए AM क्या होता है, जो AM होता है वो रात्रि 12 बजे से, कब, रात्रि 12 बजे से दोपहर के 11:59 तक, और PM क्या होता है, दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से रात्रि 11:59 तक। देखिए AM को क्या कहते हैं, AM और PM को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको AM को कहते हैं पूर्वाह्न, क्या कहते हैं, पूर्वाह्न, और PM को क्या कहते हैं, अपराह्न। ठीक है, और इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है। अब देखिए इसमें कि देखिए प्रारंभिक समय तुम्हारा दिया गया होगा, घड़ी कभी तेज होगी कभी मंद होगी, कितना तेज होगी, कितने मिनट तेज हो गई, कितने घंटा तेज हो गई। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे कैसे, जब भी समय दे 36 घंटे आ जाए, क्या आ जाए, 36 घंटे, तो 36 घंटे आ जाए, 36 को कैसे तोड़ेंगे, 36 को तोड़ेंगे 24 घंटे प्लस 12 घंटे, मतलब 24 और 12 से तोड़ेंगे। जैसे कह दिया जाए 48 घंटे है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 24 प्लस 24, 48 हो गए। अब कह दिया जाए 50 घंटे हैं, 50 घंटे को तोड़िए, 50 घंटे हैं तो 50 घंटे को कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले 24 लिख लिया, 24 घंटे, फिर 24 घंटे मतलब 24 घंटे से तोड़ेंगे, फिर कितने बचे, 24 48, 2 घंटे बचे, 2 घंटे और लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 90 घंटे हैं, 90 घंटे को कैसे तोड़ोगे,
सबसे पहले 24, फिर 24, फिर 24, देखिए कितना हो गया, 24 क्या 72 हो गया, 72 घंटे हमें लाना कितना 90 घंटे। और देखिए 24 और कर देंगे तो 96 हो जाएगा, लेकिन हमें लाना कितना है 90 घंटे। हमने क्या बताया, जब 24 से ना टूटे तो 12 से तोड़ो, तो इसमें 12 हमने एक जोड़ दिया, 72 और 12 कितने हो गए 84 हो गए। अब कितने बचे, 6 घंटे और बचाए, तो 6 घंटे लिख दीजिए अलग से, 24 और 12 से ही तोड़ा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस पर, अब सवाल देखिए कैसे सवाल बनते हैं इस पर, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर इसको समझ लीजिए तो रीजनिंग में देखिए कुछ भी नहीं है, क्लॉक बहुत सरल है, ठीक है। देखिए जैसे सवाल देखिए, पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है, एक घड़ी जो है अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में कितना मंद हो जाती है, 20 मिनट मंद हो जाती है। यदि उसे शुक्रवार शाम 7 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कब और किस दिन वह घड़ी वही समय प्रदर्शित करेगी। अभी हमने बताया था समान समय या वही समय, इसमें क्या प्रारंभिक समय दिया गया होगा। टाइप टू में हमने क्या बताया था उसमें प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिए गए होंगे। सवाल में देखिए क्या सिर्फ एक ही समय दिया गया प्रारंभिक, तो टाइप फर्स्ट का सवाल है, तो इसमें क्या है कितने मिनट मंद हो जाती है, 20 मिनट मंद हो जाती है। कितना मंद हो जाती है, 20 मिनट। जितने मिनट मंद हो जाए क्या करेंगे, देखिए 720 बटे 20 मिनट मंद हुई 20। अब कहोगे ये 720 कहाँ से आया, 12 घंटे हैं, 12 घंटे को मिनट में बदलिए, तो 12 × 60 बाछंग 72, 720 मिनट आया। देखिए कोई भी घड़ी है कितना लेट हो सकती है, अधिकतम 720 मिनट या 12 घंटा। देखिए 12 घंटा के बाद यदि घड़ी लेट हो रही है तो वो अधिकतम कितना लेट होगी, 12 घंटे लेट हो सकती है, क्योंकि 12 तो नंबर होते हैं गिनती में, 1-2 दिन घड़ी में कितना टाइम होता है, 12 तक तो होता है। अधिकतम एक चक्कर ही तो लेट हो सकती है, किससे ज़्यादा लेट हो जाएगी, अधिकतम एक चक्कर ही लेट हो सकती है, तो इसका मतलब अधिकतम 12 घंटे लेट हो सकती है, 12 घंटे का मतलब अधिकतम 720 मिनट लेट हो सकती है, फिर मिल जाएगी। पूरा चक्कर घूमने के बाद कितना भी 1 घंटा लेट हो रही है, 2 घंटा लेट हो रही, किसी टाइम पर वो आके वही समय दिखाने लगेगी, समझाया। देखिए तो 20 मिनट मंद हो जाती है, हमने क्या लिख लिया 720 बटे 20, 10 से 10 काट दिया, 2 से काट दिया, कितना आ गया 36 घंटे आ गया। अब देखिए 36 घंटे आ गया, 36 को हमने क्या बताया था, 24 घंटे तोड़ लो, 24 और कितना तोड़ लें, 24 और 12 घंटे में तोड़ लीजिए, 24 और 12 घंटे में तोड़ लिया। अब देखिए 24 घंटे और 12 घंटे हमारा आ गया। अब इसमें क्या इन्होंने बताया, उदय शुक्रवार शाम 7 बजे सही समय दिखाया गया, कब, शुक्रवार मतलब फ्राइडे कहीं है, शाम 7 बजे। शाम को हमने क्या बताया था, पीएम होता है, क्या होता है पीएम, 7 PM पर प्रारंभिक समय दिखाया गया था। अब देखिए जो घंटे आए वो इसमें जोड़ दीजिए, इसमें क्या करेंगे, ये तो प्रारंभिक समय हो गया और जो घंटे आए हैं वो इसमें जोड़ देंगे, 24 घंटे प्लस 12 घंटे। अब एक बात बताइए 24 घंटे का मतलब क्या होता है, पूरा एक दिन, आज से अभी से 24 घंटे बाद अगले दिन ये इतने टाइम पर 24 घंटा होगा नहीं होगा, मतलब अभी जितना टाइम है 24 घंटे के बाद अगले दिन इतने टाइम पर 24 घंटे पूरे होंगे, तो इसका मतलब फ्राइडे 7 बजे 24 घंटे बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे 7 PM हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सैटरडे 7 PM और 12 घंटे और जोड़ना है। देखिए पीएम का मतलब शाम के 7 बजे, शनिवार के शाम के 7 बजे में 12 घंटे और जोड़ देंगे तो सुबह नहीं हो जाएगी, सुबह का 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लेकिन दिन भी बदल जाएगा, शनिवार का क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, तो संडे हो जाएगा, यहाँ पे संडे 7, अब क्या आ जाएगा AM, क्योंकि सुबह का हो गया, तो इसका मतलब सही समय कब दिखाएगी, इसमें पूछा गया है घड़ी और किस दिन हुआ घड़ी वही समय प्रदर्शित करेगी, संडे को 7 AM पे सुबह वही समय प्रदर्शित करेगी। देखिए ये इसका सवाल का आंसर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे देखिए और देखिए सवाल, फिर समझ में आएगा। देखिए इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक चीज़ बताइए,
20 मिनट बंद हो जाती है, कितने मिनट बंद हो जाती है 20 मिनट। और सही समय हमने मान लिया 8 बजे दोनों घड़ियाँ मिलाई गई थी, घड़ी कितने बजे मिलाई गई थी, हमने मान लिया 8 बजे मिला दी गई थी। अब समझिए 8 बजे मिलाई गई, 8 बजे मिलाई गई, जब इसमें 8 बजे होगा तो इसमें भी 8 बजे होगा, दोनों सुई कहते करेक्ट टाइम के हिसाब से है, मतलब हमने कह दिया 8 बजे मिलाई गई थी, जो क्लियर टाइम 8 हुआ था तब घड़ी में भी कितना दिखा रहा था 8। फिर 20 मिनट हर घंटे में 20 मिनट लेट हो जाती है, हर घंटे में कितना लेट हो जाती है 20 मिनट लेट हो जाती है। जब इसमें 9 बजेगा तो इसमें कितना हो जाएगा 8:40 ही होगा, क्योंकि ये तो 20 मिनट मंद रहती है, धीरे धीरे चलती है। जब इसमें 10 बजेगा तब इसमें कितना बज जाएगा, इसमें बज जाएगा 9:20। 9:20 होगा कि नहीं होगा, अब दो मतलब 20 मिनट फिर मंद हो गई 2 घंटे में। फिर जब 11 बजेगा तब इसमें कितना हो जाएगा 10 बज जाएगा, तब 1 घंटा पूरे लेट हो जाएगी। पहले 20 मिनट 1 घंटे में लेट हुई, 20 मिनट इसमें लेट हुई, फिर 20 मिनट इसमें, पूरा 1 घंटा लेट हो गई। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या आया, 3 घंटे में, देखिए 8 से 3 घंटा हुआ, 3 घंटे में घड़ी कितना चली 2 घंटे, 8 से 10 हुआ या 8 से 11 हुआ, मतलब 3 घंटे में घड़ी कितना चली 2 घंटे, मतलब 1 घंटे 3 घंटे में लेट हो जाती है। अब एक बात बताइए, जब 2 बजेगा 11, देखिए 11 से 3 घंटे बाद तो इसमें कितना बजा होगा 12 तो बजा होगा, जब 2 बज गया होगा टाइम 2 हो गया होगा तब घड़ी में कितना दिखा रहा होगा 12, और जब 5 बज गया होगा, क्योंकि 3-3 घंटे बाद है, जब 5 बज गया होगा तो इसमें कितना दिखा रहा होगा, देखिए 2 का 12 दिखा रहा होगा, 5 जब बज गया होगा तो इनका कितना दिखा रहा होगा 2, क्योंकि 2 ये 2 ही घंटे बढ़ेगी, ये 3 घंटे बढ़ती है क्योंकि 1 घंटा लेट हो जाती है। फिर 5 के बाद जब 8 बज जाएगा 3 घंटे बाद तो इसमें 2 घंटे बढ़ेगा, इसमें 4 ही बजेगा। जब इसमें 11 बज जाएगा तब इसमें कितना 6 बजेगा, जब यहाँ 11 के बाद कितना बज जाएगा 2 बज जाएगा तो इसमें कितना बजेगा 8 बजेगा, जब 2 के बाद यहाँ 5 बज जाएगा तो 5 के बाद इसमें 2 और जोड़ देंगे इसमें 10 बजेगा, जब यहाँ 8 बज जाएगा, देखिए 2, 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ 5 बज गया तब कितना यहाँ हो गया, यहाँ 10 बज गया, यहाँ 10 बज गया। फिर उसके बाद 8 बजेगा, कितना बजेगा 3 घंटे बाद, इसमें कितना हो जाएगा 12 बज जाएगा 2 घंटे बाद हो जाएगा। इसमें देखिए 8 से 11 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा 2 घंटे बढ़ेगा 2 बज जाएगा, इसमें 11 से कितना हो जाएगा 11 से 2 हो जाएगा, 11 से 3 घंटे जोड़ देंगे 2 बज जाएगा, तब इसमें कितना होगा 4 बजेगा, जब इसमें 5 बजेगा 3 घंटे बाद तो इसमें 2 बढ़ेगा 6 ही बढ़ेगा, अब इसमें जब 8 बजेगा तब ये घड़ी इसमें 2 घंटे बढ़ेगी तब ये 8, मतलब 8 बजे ये सही समय पर मिल गई। कितने घंटे हुए, देखिए 3 घंटे यहाँ पे हुए थे, 3 घंटे यहाँ पे, 3 यहाँ पे हुए, 3 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे घंटे हुए, 3 यहाँ पे घंटे हुए, 3 यहाँ पे घंटे हुए, और फिर इसके बाद 5 से 8 आए, 3 घंटे यहाँ पे हुए, फिर 3 घंटे यहाँ पे हुए, फिर 3 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे यहाँ पे, फिर 3 घंटे यहाँ पे, जोड़ लीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15, 3, 18, 18 और 3, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 3 33, 33 और 3 36, मतलब 36 घंटे बाद घड़ी का वही समय जब 20 मिनट मंद हुई थी उसमें भी 36 घंटे आया था, तो 36 घंटे बाद घड़ी वही समय प्रदर्शित करेगी। समझ आया, ये तो हमने देखिए पूरा बता दिया कैसे होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे सवाल, देखिए सवाल क्या है, अच्छा सवाल है और सभी लोगों के उम्मीद करता हूँ समझ में भी आएगा, ठीक है। एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 12 मिनट मंद हो जाती है, कितना मिनट मंद हो जाती है 12 मिनट मंद हो जाती है। यदि उस सोमवार को प्रातः 9 बजे सही समय दिखाया गया हो तो बताइए कब और किस दिन वह घड़ी सही समय प्रदर्शित करेगी। देखिए घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में कितना मंद हो जाती है 12 मिनट मंद हो जाती है, कितना मिनट मंद हो जाती है 12 मिनट। अभी हमने क्या बताया था 720/12 कर दीजिए, देखिए अधिकतम कितने मिनट घड़ी लेट हो सकती है 720 मिनट, अधिकतम 12 घंटे ही तो लेट हो सकती है, 12 घंटे का मतलब 720 मिनट, अधिकतम घड़ी कितना लेट हो सकती है 12 घंटे, क्योंकि 12 घंटे जब लेट होगी तो फिर वही समय आने लगेगा। समझ में आया नहीं आया, तो इसे काट दिया 72, 71, 10 कितना हो गया 760 घंटा हो गया टोटल,
कितना आ गया 60 घंटे आ गया। अब 60 घंटे के बाद देखिए अब इसमें क्या है, 60 घंटे अब सोमवार को प्रातः 9 बजे सही समय दिखाया गया, कितना प्रारंभिक समय दिया गया है, प्रारंभिक समय दिया गया है, प्रारंभिक समय, प्रारंभिक समय दिया गया है प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे दिया गया है, ठीक है 9 बजे दिया गया प्रारंभिक समय। अब देखिए 60 इसमें जोड़ देंगे, प्रारंभिक समय प्लस 60 घंटे, तो इसमें 60 घंटे का मतलब हम क्या कर लेंगे, देखिए जब वही सही समय निकालेंगे तो क्या होगा, प्रारंभिक समय प्लस जो घंटे आया है वो जोड़ दीजिए। 60 घंटे को हमने क्या बताया था, 24 प्लस 24 24 24 48 हो गए प्लस 12 48 12 कितने हो गए 60 हो गए 60 घंटे। अब देखिए प्रातः 9 बजे कौन सा दिन, कौन सा है दिन दिया गया है, सोमवार, कौन सा सोमवार, लिख दीजिए मंडे, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए सोमवार, सोमवार प्रातः प्रारंभिक समय कितना दिया गया है, सोमवार को प्रातः 9 बजे सोमवार प्रातः 9 बजे, और 60 घंटे को हम क्या लिख लेंगे, 24 प्लस 24 प्लस 24 नहीं 12 24 24 48 और 12 60 हो गया। अब एक बात आइए, 24 घंटे का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हो जाएगा अगले दिन, अभी से 24 घंटे बाद अगली तारीख को इसी दिन इसी टाइम पर तभी 24 घंटे होंगे, ठीक है 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन निकाल दीजिए वही समय पर अगले दिन 24 घंटे होते हैं। तो देखिए प्रातः 9 बजे है, प्रातः 9 बजे सोमवार को, और जो 24 घंटे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार को प्रातः 9 बजे, फिर 24 घंटे और जोड़ देंगे तो बुधवार प्रातः 9 बजे, बुधवार, बुधवार प्रातः 9 बज गया, और 12 घंटे और बचा है, ये वाला 12 भी तो घंटे बचा है, 24 तो हो गया था सोमवार मंगलवार बुधवार। अब देखिए 9 बजे का मतलब क्या हो जाएगा, प्रातः देखिए बुधवार प्रातः 9 बजे है, और जो 12 घंटे इसमें हम और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बुधवार के शाम के 9 नहीं बज जाएंगे, सुबह के 9 और 12 घंटे बाद शाम के 9 नहीं हो जाएंगे, तो बुधवार, बुधवार शाम 9 बजे सही समय दिखाएगी, यही आंसर हो गया, ठीक है पूछा क्या गया है, कब सही समय घड़ी वही समय प्रदर्शित करेगी, तो बुधवार शाम 9 बजे वही समय प्रदर्शित करेगी, ठीक है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखिए अब आगे देखिए, एक घड़ी अपनी खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 18 मिनट मंद हो जाती है, कितना मिनट मंद हो जाती है 18 मिनट, हमने क्या बताया 720 लिख लीजिए 18 से भाग दे दीजिए, 18 चौक 72 कितना आ गया 40 घंटे आ गया, 18 चौक 72 एक जीरो 40 घंटा आ गया, 40 घंटे को हम क्या लिख लेंगे, 24 प्लस 12 24 और 12 कितने हो गए 36 प्लस 4 लिख लेंगे 4 घंटे। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, उस शनिवार को रात्रि 11 बजे सही समय दिखाया गया, शनिवार रात्रि 11 बजे सही समय दिखाया गया, शनिवार को रात्रि 11 बजे सही समय दिखाया गया, तो ये तो हमारा हो गया प्रारंभिक समय, ये क्या हो गया प्रारंभिक समय दिया हो गया प्लस प्राप्त समय, प्राप्त घंटों की संख्या, घंटों की संख्या क्या हमने बताया, देखिए प्रारंभिक समय प्लस प्राप्त घंटों की संख्या, प्रारंभिक समय कितना है, प्रारंभिक समय दिया गया है रात्रि शनिवार रात्रि 9 बजे, इसमें जोड़ना कितना है 24 प्लस 12 प्लस 4 घंटे, देखिए 24 का मतलब अगले दिन हो जाएगा, शनिवार है तो क्या हो जाएगा रविवार के रात्रि के 11 बज जाएंगे, 12 घंटे बाद रविवार है रात के 11 बजे हैं, रात्रि के कितने बजे हैं रविवार को 11 बजे हैं, जब 12 घंटे जोड़ देंगे रविवार में तो सुबह के 11 नहीं बज जाएंगे, सुबह के 11 बजेंगे तो रविवार से क्या हो जाएगा सोमवार नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोमवार, सोमवार सुबह 11 बज जाएंगे, अब 4 घंटे और जोड़ देंगे 11 में
4 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 3 बज जाएगा, कितना बज जाएगा, 3 बज जाएगा, वो भी कौन सा, सोमवार का 3, सोमवार शाम 3 बज जाएगा, सोमवार को कितना बजेगा, शाम 3 बज जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जब इसको दो एक बार कर लोगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। देखिए रीजनिंग भी बहुत हल्के तरीके से कर देंगे, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। और देखिए आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।